नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। दौराहा। सरकार भले ही सरकारी स्कूल के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर सुविधा देने का दम भर रही हो, मगर इनमें से कई स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे साफ सफाई करवाते हैं। ऐसे में खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों में किस तरह से शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा है। कई स्कूलों के बच्चे क्लास में पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं और ये नज़ारा अक्सर ही देखने को मिलता है। ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? सरकारी स्कूल में शिक्षा की क्या हालत है? इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की जगह झाड़ू नजर आ रही है। शिक्षा विभाग ने भले ही स्कूलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी वहाँ पढ़ा रहे टीचरों को दी हो, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने छात्रों के हाथ में झाड़ू थमा दी। ऐसा ही एक मामला ग्राम झरखेड़ा के शासकीय हाई स्कूल से सामने आया है। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो उनके हाथ में पेंसिल और कॉपी किताब की जगह झाड़ू थमा दी जाती है और छात्रों को ही सफाई कर्मी बना दिया जाता है। बच्चों के हाथ में झाड़ू, छात्रों के साथ किए जा रहे इस तरह के व्यवहार को देखकर जब हमारी टीम स्कूल के अंदर पहुंची तो महिला टीचर हड़बड़ा गई और बच्चों को झाड़ू रख कर क्लास में बैठने के लिए कहने लगी। जब हमने स्कूल की टीचर से पूछा कि आप बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रही हैं, तो वो कहने लगी कि स्कूल में कोई भी चपरासी नहीं है, इस वजह से बच्चों को साफ सफाई करवा रहे हैं। वह सफाई देने लगी कि स्कूल में कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। खैर, वजह तो जो भी हो, लेकिन एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाले शिक्षक इसकी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और बच्चों के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू थमा रहे हैं। बेटा क्या कर रहा हो? सफाई कर रहा। किसने बोला? मैम ने बोला। क्या बोला? सफाई करो। कौन सी क्लास के हो? क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ रहते हो? झलगड़ा कॉलोनी। तो बच्चों से झाड़ू पहले इसको बंद करो। एक सेकंड जी, पहले इसको बंद करो। बस भाई लेना, इनका लेना, मेरी फोटो भी लेना जी। इनका कहना है कि शासन के आदेश है कि बच्चे से झाड़ू लगवाओ। मैम, ये आज जो स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते पाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे यहाँ क्या अभी प्यून नहीं है, पहली से दसवीं तक स्कूल है, पूरे हाई स्कूल में एक भी प्यून नहीं है। प्यून है लेकिन वो मेडिकल पे चल रहा है, उनका बीआरएस का चल रहा है। इसकी मांग आपने कही किसी प्रशासन को? आपने पत्र लिखा कर चुके हैं। तो क्या हो रहा है उसके बाद? अब ये ऊपर वाले अधिकारी जाने। आपने लिखित दिया या मौखिक बोला आपने? हाँ, लिख के दिया है ना। लेकिन दिया। अच्छा, जो मैम है वहाँ पे, उनका ये कहना है कि शासन द्वारा ये आदेश है कि बच्चों से झाड़ू लगवाई जाए। नहीं, ऐसा आदेश नहीं है, वो तो मिलजुल के करते हैं सब लोग, और मैडम भी करती हैं, सभी लोग करते हैं। नहीं, मैम ऐसा बोल रही है तो वो क्यों बोल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ज्ञान नहीं है ऐसा, हम उनको समझा देंगे। खबर समय जगत के लिए दौराहा से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।